Hello everyone, hello and welcome to my channel Artonic, this is Rakhi. आज मैं बताने वाली हूँ कि होममेड एयर ड्राई क्ले कैसे बनाते हैं. इसके लिए आपको चाहिए टिश्यू और न्यूज़पेपर जो कि वाटर में सोक करना होगा आपको 2 or 3 hours के लिए. टिश्यू फॉर 10 to 20 minutes एंड ये चॉक पाउडर है. जूट क्लॉथ मैंने लिए थे क्योंकि हमें प्लेट बनाना है उसके, इसीलिए विनेगर है, फेविकॉल है. आप कोकोनट ऑयल या बॉडी लोशन ले सकते हैं. सबसे पहले मैंने टिश्यू पेपर लिया जो वाटर में सोक करने के लिए रखा था. मैंने ऑलमोस्ट 2 spoon लिए हैं और देखिए इसको ऐसे निचोड़ना है, पूरी तरीके से वाटर आउट कर लेना है, बट एकदम ड्राई नहीं कर लेना है, बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना है. एंड उसके फिर से छोटे छोटे पीसेस करने हैं आपको फिंगर टिप यूज़ करके. अब फेविकॉल लेना है. जनरली मैं फेविकॉल को मेज़र नहीं करती हूँ, पर अगर आपको मेज़रमेंट चाहिए तो ये 6 to 7 spoon है फेविकॉल. एंड जितने भी लम्ब्स बनेंगे उस पेपर के, फिंगर टिप की सहायता से आपको उसे हटा देने हैं. मैंने विनेगर डाला, 2 spoon डाला, 1 भी डाल सकते हैं, बट ये चूँकि अमाउंट में ज़्यादा है और विनेगर ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपको क्ले तुरंत यूज़ करना है तो विनेगर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. जो क्ले हम स्टोर करते हैं उसमें विनेगर या नींबू का रस डालते हैं 1 spoon. और मैंने नारियल तेल भी डाला था बीच में, आपने देखा होगा. ये है चॉक पाउडर वाइट वाला. अब ये है चॉक पाउडर जो कि ऑफ वाइट कलर की है. जब आप जाओगे शॉप में लेने तो दोनों में से कोई भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा ले. कोई भी ले सकते हैं, दोनों का सेम वर्क है. बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो वाइट क्ले के साथ ज़्यादा अच्छा है. ये मैंने ऑफ वाइट क्ले से बनाया है और आप वाइट भी यूज़ करोगे तो भी ये जो आप लाइंस फटे हुए देख रहे हो, दरार है जो, वो आएंगे. क्ले जब हम यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है, वो थोड़ा श्रिंक करता है जिसके कारण कि ऐसा होता है. और ये हुआ है जो मैंने मोल्ड यूज़ किया है उसकी वजह से, उसको हम बाद में फिल कर देंगे. क्ले की भी जो क्वांटिटी है वो आपको स्लोली स्लोली इस वाले मिक्सर में मिलाना है. एक बार में मत मिलाइएगा, नहीं तो आपका क्ले बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है और वो कोई भी चीज़ बनाने में तकलीफ ही देगा और वो चीज़ अच्छी बनेगी नहीं. इसीलिए स्लोली हमें मिलाना है. जैसे मैंने 2 spoon मिलाया, फिर 1 spoon मिलाया, फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग मैं मिलाती जाऊँगी. जैसे आप रोटी के लिए डो तैयार करते हो ना आटे की, बस वही करना है आपको. और हाथ में लगेगा, चीज़ें थोड़ी मिसी होंगी, उसके लिए आपको क्लीन करना पड़ेगा. बट ये बेस्ट क्ले है, एयर ड्राई क्ले, होममेड. अब मैंने बर्तन से निकाल कर इसको स्लैब पे रख लिया. मैं किचन स्लैब यूज़ कर रही हूँ इन सारे चीज़ों के लिए, क्योंकि ये मुझे कंफर्टेबल है. मैं खड़े होकर काम कर सकती हूँ, आप चाहो तो फ्लोर पे बैठ के भी कर सकते हो, फ्लोर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना पाम यूज़ करना है क्ले को अच्छे से मिक्स करने के लिए. और जब आप पाम से मिक्स करते हो, पाम में बार बार क्ले आ रहा है और थोड़ा वेट टाइप का लग रहा है, तो आप फिर से और क्ले मिलाएंगे उसमें. आप देखेंगे कि मुझे जब भी लग रहा है कि मुझे क्ले की ज़रूरत है यहाँ पे, तो मैं क्ले मिला रही हूँ. और अपने फिंगर्स को एंड पाम को स्पून से या किसी भी टूल से आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो क्ले लगा हुआ है. मैंने बीच में बॉडी लोशन अपने हाथ में लगाया, नारियल तेल या बॉडी लोशन, दोनों में से कुछ भी आप अपने हाथ में लगा सकते हो अगर ज़्यादा चिपचिपी हो रही है, पर प्लीज़ वाटर नहीं लेंगे. और इसको पाम से अच्छे से कर लेंगे. धीरे धीरे आप देखेंगे कि किचन स्लैब पे जितने भी वाइट क्ले हैं, पाउडर है या कुछ भी है, सारा मैंने समेट लिया है. करीब 5 minutes. ऐसे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अब मेरी क्ले तैयार हो गई है, क्योंकि उसमें चिपचिपापन, लसलसापन सब खत्म हो जाता है. ये एक बहुत ही अच्छा राउंड शेप पकड़ लेता है खुद ही, तो उसका मतलब है कि आपकी क्ले तैयार हो गई है. पर अगर आपको टाइम चाहिए देन 5 minutes कम से कम आपको इसको अपने पाम से प्रेस करना पड़ेगा. अब ये तैयार हो गया डो, क्ले डो तैयार हो गया.
मैं इसको करके दिखा रही हूँ। जब आप इसको क्ले डो को एक दूसरे से सेपरेट करोगे तो तुरंत सेपरेट नहीं होता, थोड़ा पार्ट एक दूसरे में लगा हुआ धीरे धीरे सेपरेट होता है। और इसको अगर आपको स्टोर करना है देन एक पॉलीथीन में डाल करके एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रिज में डाल दें, जब भी यूज़ करना हो 2 घंटे पहले निकाल ले और उतना ही निकाले जितना आपको यूज़ करना है। अभी मैंने ये सब चीज़ें करके दिखाई ताकि आप ऐसे स्टोर कर सकें, और मुझे ये क्ले अभी ही यूज़ करना था तो मैंने फिर से निकाल लिया। अब मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ। एंड एक चीज़ है, जब भी आप क्ले निकालेंगे तो एक बार उसको फिर से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसको थोड़ा डस्ट करूँगी, और जैसा आप देख रहे हो मैंने रोलिंग पिन की हेल्प करी है, हेल्प ली है एक्चुअली, करी नहीं है। और मैंने, मेरे पास एक कवर था एक टिफ़िन का जो कि स्क्वायर है, बाकी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो स्क्वायर हो, तो मैंने उसे बीच में डाला एंड दोनों तरफ से चारों ओर से इसे कट किया। जो भी एक्स्ट्रा राउंड शेप था उसको मैंने कट किया, और ये वाला क्ले भी मैं मिक्स करके पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख दूंगी, जो एक्स्ट्राज मैंने निकाले हैं उसको, जो भी अनइवन है इवन है वो सब मैं बाद में देखूंगी। अब मैं कोई भी, हाँ मैंने वाटर यूज़ किया है थोड़ा सा, जो भी अनइवन था कटिंग के बाद उसको थोड़ा इवन शेप देने के लिए। अब मैं एक डब्बा ले ली, उसके ऊपर मैंने वो कवर डाला और क्ले डाल दिया जिससे कि ये वो शेप में आए जो शेप हमें चाहिए। एंड इसे मैं छोड़ दूंगी। मैंने कॉर्नर भी निकालने की कोशिश करी है, आप भी कर देंगे ऐसे, और नहीं भी करेंगे तो ऐसे ही कॉर्नर का शेप ले लेगा जैसे ये है। अब मैं अपने पहले वाले को कैसे ठीक कर रही हूँ ये इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि अगर आपसे ये चीज़ें होती हैं देन आप परेशान नहीं होंगे एंड उसको ठीक करेंगे, क्योंकि क्ले मेकिंग में ये सब चीज़ बहुत माइनर ये होती ही रहती है। ये देखिए मेरे दोनों जो प्लेट है वो ड्राई हो चुका है, और ये जो मैंने उस समय तैयार किया था पेस्ट, कैसे तैयार किया वो आपने देखा ही। इसको बिल्कुल भी आटे की डो की तरह नहीं बनाना है, इसको ऐसा बनाना है, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप उसको उठा करके कहीं पे स्टिक कर पाएं। मैंने ये जब क्ले प्लेट जब मैंने बनाया था तो करीब आफ्टर हाफ एन आवर मैंने उसमें, जहाँ पर भी आपको एक होल चाहिए जो कि हैंग करने के लिए ज़रूरी है, वो मैंने ब्रश की हेल्प से कर ली थी, जो कि स्किप हो गया, मैं आपको दिखा नहीं पाई वो चीज़। अब मैं जितने भी अनइवन कॉर्नर मेरे प्लेट के हैं उसे मैं सही कर रही हूँ। इसमें मैंने बहुत कम डो लिया था जिसके कारण कि ये प्लेट कॉम्पिटिवली थोड़ा छोटा है वाइट वाले प्लेट से। और ये मैं इसको इवन कर रही हूँ, जहाँ जहाँ भी श्रिंक हो चुका है और थोड़े से दरारे हैं उन सबको मैं कवर अप कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा सही करना ज़्यादा सही लगा अपने इस प्लेट को, तो मैं कर रही हूँ। और वाइट वाली जो प्लेट है वो ब्राउन वाले से ज़्यादा अच्छी बनी है, मुझे ऐसा लगता है, उसकी शेप भी ज़्यादा अच्छी आई है, उसमें फ्रिल्स भी पड़ गए हैं जो कि बहुत नेचुरल लुक दे रहा है। और ये मेरे पास एक जूट क्लोथ था पहले का, जो कि किसी और चीज़ के यूज़ के लिए होता था कभी, तो मैंने उसको टेयर कर लिया और एक्स्ट्रा पार्ट सब मैं कट करूँगी। और जिनके पास भी क्ले नहीं है ज़्यादा, वो लोग पाउडर जो टेलकम पाउडर होता है वो सबका मिक्सचर बनाकर, जैसा मैंने इम्पास्तो में बताया था, इसके ऊपर आप डाल करके थोड़ा टेक्सचर दे सकते हो, या अगर चॉक पाउडर ही है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसका भी टेक्सचर आप ऐसे कवर के ऊपर दे सकते हो, राउंड या स्क्वायर कवर जनरली हमारे घर में होते हैं जो कि हमारे किसी यूज़ के भी नहीं होते हैं, उन सब चीज़ों को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब मैंने मेज़र किया उसको रख करके प्लेट्स को, और अब मैं ये कट कर लूँगी। चूँकि मैंने दोनों ही प्लेट बनाने में इस मोल्ड को यूज़ किया था, इसीलिए मैं इसके अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा बड़ा कट किया ये बड़े प्लेट के लिए,
और होल के जगह पे मैं एक शार्प चीज को थोड़ा सा अंदर कर दिया, जिससे कि मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ पे कट करना है। मैंने सीजर यूज करके उस एरिया को कट कर दिया। अब मैं फेविकोल में थोड़ा वाटर मिलाया, जैसे कि 2 स्पून फेविकोल है तो 1/2 स्पून वाटर, और उससे मैं स्टिक कर रही हूँ। और अब मैं इस जूट क्लोथ के ऊपर भी सेम मिक्सचर को लगा दे रही हूँ चारों तरफ से, ताकि ये बहुत मजबूत हो जाए। और फेविकोल की जब आप मिक्सचर लगाते हो और उसके बाद जब आप पेंट करते हो तो उसमें एक ग्लेज आता है, तो आप प्लेन फेविकोल लेके भी एक लेयर डाल सकते हैं, तो इससे आपका वर्क जो भी करोगे वो बाद में ऐसे भी सही रहेगी। वो एक तरीके की आपकी वार्निश हो गई प्लेट पे, और ग्लेज भी आता है उससे। अब मैं अपने वाइट वाले प्लेट को, कॉर्नर्स को और एजेस को थोड़ा स्मूथ करने के लिए मैंने वाइट क्ले लिया, वाटर लिया और थोड़ा फेविकोल लिया। आप फेविकोल नहीं भी ले सकते हो, बट मैं इसलिए लेती हूँ कि मैंने क्ले में फेविकोल मिला के बनाया है, तो मैं इसमें भी लेती हूँ ताकि वो स्टिक हो जाए अच्छे से। और जितने भी एजेस है, जो कि आप चाहो तो आप उसको छोड़ सकते हो, ऐसे पेंट करोगे तो शायद कवर अप हो जाए, बट मैं नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए मैं इसे भी एजेस के ऊपर थोड़ा लगा करके इसको शेप अप कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी का काम हम क्लास में करेंगे, जब हम क्ले प्लेट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों प्लेट में ऐसे ही जूट की क्लॉथ लगाकर स्टिक कर देनी है। मैंने प्लास्टिक की प्लेट पर भी आप कैसे जूट क्लॉथ स्टिक करके आप काम कर सकते हैं, अगर आपके पास क्ले का ऑप्शन नहीं है तो, मैंने इसमें ये भी बताया है। सारे एजेस बन गए, जहाँ पे फ्रिल्स है वो भी सही है। अगर कुछ भी अनइवन एंड फ्रिल्स बन जाते हैं आपके प्लेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल होममेड क्ले का लुक देगा। और जब आप इस पे ये क्राफ्ट करेंगे, क्ले क्राफ्ट ऑन क्ले प्लेट, देन ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने खुद से बनाया है। अब मैं ब्रश मैंने लिया, मैं वो ब्रश यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं पेंट नहीं करती हूँ। ऐसे ब्रशेस भी मैं नहीं फेंकती हूँ, उन सब चीज़ों को भी मैं रखती हूँ। कभी फेविकोल में डालना होता है, कभी क्ले में डालना होता है, तो ये सब ब्रशेस मुझे उस समय काम आते हैं। मैं आउटर साइड भी, इसमें बहुत कम दरार पड़ी है वाइट वाले में, यही मैं आपको बता रही थी कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वाइट वाले के साथ ज़्यादा अच्छी है। इससे भी मैंने उसे बराबर किया, अच्छा किया, थोड़ा स्मूथ किया, तो मुझे लगा कि इसे भी कर देना चाहिए, तो मैंने इस पर भी ब्रश यूज़ किया। ये पूरे आप पर डिपेंड है आप क्या करते हो। इसको मैंने दोनों साइड से स्पाइरल कट कर लिया, क्योंकि मेरे पास जूट क्लॉथ उतना नहीं था, और ऐसे भी अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हम ये भी चीज़ कर सकते हैं जो हमारे पास डिज़ाइन है। तो मैंने दोनों साइड से स्पाइरल कट करके अब मैं सेम फेविकोल एंड वाटर के मिक्सचर को यूज़ करते हुए, फेविकोल अगर 2 चम्मच है तो वाटर 1/2 चम्मच ही होना चाहिए, ज़्यादा रेशियो 1:1 नहीं होना चाहिए इसमें। एंड फिर से जो भी फेविकोल है मैं उसके ऊपर कवर अप करते रही हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ, आप चाहें तो थिक लेयर ऑफ फेविकोल भी दे सकते हैं ग्लेज के लिए, बहुत अच्छा ग्लेज आता है इसमें पेंटिंग जब आप करते हो तब। ब्रश से बहुत अच्छा कॉर्नर बन जाता है एंड बहुत स्मूथ फिनिशिंग आती है। राउंड ब्रश यूज कर रही हूँ मैं। अब देखिए ये दोनों तैयार हो गया, इस पे ब्लैक कलरिंग कर दूंगी मैं, एक पे एक आप लोगों के सामने करने की कोशिश करूंगी। और अब जो भी मेरे पास चॉक पाउडर बचे हुए वो मैं बता रही हूँ कि जिनके पास भी कवर है ऐसे, या स्वीट बॉक्स के कवर है जो ट्रांसपेरेंट वाले होते हैं राउंड वाले, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं।
और आप किसी भी शार्प चीज़ से होल कर सकते हैं हैंग करने के लिए। इस चीज़ को मैंने कर दिया, ये चारों तरफ से स्मूथली लगा दिया, ब्रश से मैंने स्मूथ किया इसको। और अब इसके ऊपर आप जूट स्टिक कर सकते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है कि मेरे पास इतना क्ले पाउडर नहीं है, मतलब चॉक पाउडर नहीं है, मैं कैसे करूँगी, ये सब की कोई परेशानी की बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसे पीसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सारे ऑप्शन आपको बता रही हूँ। Thanks once again. Thank you very much.